दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और ईशान किशन को और उमरान मलिक को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईशान किशन, विराट कोहली और मलिक के बेहतरीन प्रदर्शन से खुश हुआ ऑस्ट्रेलिया दिग्गज, तो दे दिया इन तीनों पर सनसनीखेज बयान। जी हां दोस्तों, तीनों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को देखकर ऑस्ट्रेलिया दिग्गज काफी ज्यादा खुश हुए और खुश होते ही इन तीनों के लिए एक सनसनीखेज बयान जारी कर दिया है, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने इन तीनों के बेहतर प्रदर्शन पर क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, विराट कोहली, ईशान किशन और उमरान मलिक में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए अंतिम मुकाबले में ईशान किशन और विराट कोहली की पारी ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 409 रन बनाए, जिसमें ईशान किशन और विराट कोहली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दरअसल ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 131 गेंदों पर 210 रन की पारी खेली। इस बीच उन्होंने 24 चौके और 10 छक्के लगाए और इनका स्ट्राइक रेट भी 161 का रहा और दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी और 9वें बल्लेबाज बने। तो दूसरी तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे विराट कोहली ने 91 गेंदों पर 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 113 रन की पारी खेली, तो वहीं मलिक ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए और विरोधी टीम को 182 रन पर ऑल आउट कर दिया, जहां पर भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से 227 रनों से जीत गई। और उनकी इस जीत पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने सनसनीखेज बयान दे दिया, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए ईशान किशन ने जिस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि ईशान किशन की तरफ से कभी भी ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि उनसे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय टीम के लिए ईशान किशन जब तक बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से मुकाबले में जीत हासिल करते रहेंगे, और इसी तरीके से उम्मीद है आगे भी ईशान किशन बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ ब्रैटली ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए ईशान किशन ने तो बेहतर प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ विराट कोहली ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और दिखा दिया कि इनसे बेहतर बल्लेबाज कोई भी नहीं है, क्योंकि वो जब टीम को संभालने आते हैं तो टीम बड़ी ही नाजुक स्थिति में होती है, पर आज तो उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए जीत दिलाई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली जिस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन की उम्मीद हमें सभी खिलाड़ी से रहती है और हम चाहते हैं विराट कोहली तरह हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें। इसके अलावा शेन वॉटसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली और ईशान किशन ने बल्लेबाजी से बेहतर प्रदर्शन किया और सभी को हैरान कर दिया। दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि भारतीय टीम को बेहतर तरीके से जीत दिलाने के लिए सबसे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जिसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए यह भी कहा है कि भारतीय टीम के लिए मलिक ने भी बेहतर गेंदबाजी की है और उन्होंने दिखा दिया है कि वो भारत के लिए युवा गेंदबाजों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन जाएंगे और मुझे उम्मीद है मलिक इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।